हेलो फ्रेंड्स, शुभराज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं दही की एक बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और गर्मा गर्म चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। दही की इस सब्ज़ी के लिए हमें हंकार चाहिए। इसके लिए एक बर्तन के ऊपर छन्नी लिया है और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। अभी कपड़े के ऊपर हम दही रखेंगे। दही को ऐसे ही 3-4 घंटे के लिए रख देना है। देखिए 4 घंटे बाद दही से इतनी पानी निकली है। अभी दही देख लेते हैं। हंकर्ड बिल्कुल तैयार है। अभी दूसरे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और स्वादानुसार नमक। अभी इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें दही के साथ मिलाना है। इस रेसिपी में चीनी कंपलसरी है क्योंकि दही खट्टी है और चीनी मिलाने से सब्ज़ी का टेस्ट एनहेंस होगी, और अगर आप चीनी स्किप करते हैं तो सब्ज़ी खट्टी बनेगी। और ये एक बंगाली रेसिपी है और बंगाली रेसिपीज़ मोस्टली थोड़ी सी मीठी बनती है। सारे इंग्रेडिएंट्स दही के साथ अच्छी तरह मिल जाने तक हमें मिलाना है। दही का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अभी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 1 सूखे लाल मिर्च को तोड़ के ले लिया है। जैसे ही जीरा और सूखे लाल मिर्च से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हम इसमें मिलाएंगे 2 मीडियम साइज़ का बॉइल्ड आलू। आलू को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू को लो फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिए आलू भुन चुकी है और हल्का सा ब्राउन दिख रही है। अभी हम सूखे मसाले मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह मिला देंगे। नमक मिलाएंगे स्वादानुसार। अभी लो फ्लेम में सारे मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। लीड लगा के लो फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए मसालों को होने देंगे। देखिए मसाले अच्छी तरह भून चुकी है और मसालों में से ऑयल रिलीज हो गई है। अभी हम इसमें और पानी मिलाएंगे, लगभग 1 कप पानी मिलाएंगे। वन टीस्पून चीनी मिलाएंगे। फ्लेम हाई करके लीड लगा के 1 उबाल आने तक वेट करेंगे। देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है। अभी गैस सिम कर देंगे और दही का जो मिक्सचर है उसे एक बार और मिक्स कर देंगे। हाथ से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे दही का और ग्रेवी में मिलाते जाएंगे।
अभी लीड लगा के लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसे होने देंगे। देखिए बिल्कुल 5 मिनट के बाद दही साइज में डबल हो चुकी है और ग्रेवी में फ्लोट कर रही है। इसका मतलब है हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार है। अभी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे और 1/2 टीस्पून घी मिलाएंगे। गैस बंद करके लीड लगा के 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम देंगे। देखिए खट्टी मीठी दही की सब्जी बिल्कुल तैयार है। गर्मी के दिनों में ये सब्जी और चावल बहुत टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।